पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विद हर स्किल्ड फोर्स, इसकी थीम थी, ठीक है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? सन 2012 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और अक्टूबर महीने में और भी डेट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। बात करें 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, जो कि मैं पहले पिछले वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर जो कि आज है, करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया? कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, ठीक है। मैं इनको हर बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आप जो डेट्स हैं इनको देखे भी सही और साथ में सुने भी सही, तो आपको याद होने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई है? किस देश की गई है? फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर गई है। और फ्रांस कंट्री की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ की मुद्रा है यूरो, और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन, वहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है। फ्रांस के साथ अभी कौन सी डील के लिए अभी ज़्यादा चर्चाओं में है? वो है राफेल डील, उसी के लिए ये अभी निर्मला सीतारमण फ्रांस गई हुई है, ठीक है। राफेल डील एक्चुअली इस बारे में है कि ये जिस कंपनी को मिलनी थी उसकी जगह ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल गई है, जिसके पास उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं कि इस काम को कैसे किया जाता है, तो इसके लिए काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑक्सफैम वर्ल्ड असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 147वां स्थान है। और बात करें असमानता सूचकांक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कौन से देश में कितनी असमानता है, ठीक है। तो भारत काफ़ी पीछे है इसमें, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। और चाइना है वो 81 नंबर पे है, और जापान जो है 11वें नंबर पे है, ठीक है। और साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन कौन है। तो फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड पे है जर्मनी, और थर्ड पे है फिनलैंड, ठीक है। सूचकांक के क्वेश्चन सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा ओलंपिक खेलों में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और कल के वीडियो में देखा था कि मनु भाकर ने भी स्वर्ण पदक जीता था, और स्वर्ण पदक जीतने वाली युवा ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला बन गई थी। साथ में युवा ओलंपिक खेलों में ध्वजवाह कौन थी? वो भी मनु भाकर ही थी, ठीक है। और बात करें युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? वो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहे हैं, ठीक है। और युवा ओलंपिक खेलों का मस्कट हमें पता होना चाहिए, मस्कट है आंडी, ठीक है। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पहली महिला ट्रांस क्वीन कौन बनी है? वीना सांद्रे पहली महिला ट्रांस क्वीन बनी है, ठीक है। और ये कौन से राज्य की रहने वाली है? ये छत्तीसगढ़ राज्य की रहने वाली है। और छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो वहाँ की राजधानी है रायपुर, वहाँ के सीएम है रमन सिंह, और वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की भी है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में जो एक करंट अफेयर है वो है नया रायपुर जो है उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया, जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एशिया पैरा ओलंपिक खेल में हरिंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता है हरविंदर सिंह ने? स्वर्ण पदक जीता है। और किसमें जीता है? आर्चरी, निशानेबाजी में ये पदक जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का जकार्ता में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जकार्ता में क्या है?
आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससीओ की 17वीं सीएसजी बैठक में किसने भाग लिया? ठीक है, इस बैठक में किसने भाग लिया? सुषमा स्वराज, जो कि हमारी विदेश मंत्री है, इन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। और बात करें एससीओ और सीएचजी, एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, और सीएचजी की फुल फॉर्म क्या है? काउंसलिंग ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बात करें एससीओ की पहली स्थापना कब हुई थी? 15 जून सन 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में, जो कि चाइना की कैपिटल है। ठीक है, और एससीओ एक सहयोग संगठन है, तो इसमें कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, ये भी हमें पता होना चाहिए। वो 8 देश हैं: चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेमिंग पुरस्कार 2018 किसने जीता? किसने जीता है? ये इंडस टावर्स ने इस जीता है। और डेमिंग पुरस्कार 2018 किसने जीता है? इंडस टावर ने। और इस पुरस्कार की स्थापना और शुरुआत कब हुई थी? 1951। एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो ये बैठक है सीएचजी, ये कहाँ पर हुई है? इस साल तजाकिस्तान में ये बैठक हुई है, जहाँ पर अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, पीएसडीसीसीआई के महासचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? महेश रेड्डी में, और महेश रेड्डी ने इस बार को संभाला है। और पीएसडीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएचडी के सभी पता, पीएचडी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट डॉक्टर इन फिलोसफी। ठीक है, और पीएचडीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डॉक्टर इन फिलोसफी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन, किसी भी ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन सा बना है? कौन सा बना है? सेनेगल, जो कि 2022 की यो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, सेनेगल की बात करें तो सेनेगल की कैपिटल कौन सी क्या हो जाएगी? डाकर। और वहां की मुद्रा क्या हो जाएगी? साउथ अफ्रीकन फ्रैंक वहां की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मेकी साल वहां के राष्ट्रपति है सेनेगल के। ठीक है, जो अपकमिंग गेम्स है जिनकी मेजबानी कहां पे होगी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यो ओलंपिक खेल सन 2022 के सेनेगल में होंगे। अगला क्वेश्चन, आईआईटी मद्रास ने किस राज्य की ई गवर्नेंस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? तमिलनाडु की गवर्नमेंट के साथ किए हैं। ठीक है, और किसने करे हैं? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, उसका लेवल ऊपर करने के लिए हस्ताक्षर, साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एमओयू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और जिस राज्य के साथ किए हैं वो राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल। ठीक, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तुषार मेहता को सोलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें इनके पहले कौन थे सोलिसिटर जनरल, वह थे रंजीत कुमार, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, और पद को खाली होने के बाद वहां पर तुषार मेहता को यह पद के लिए नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थे 12 तारीख के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मैंने
इंग्लिश के वीडियो चल रहे हैं उनको भी आप देख लीजिए, वहाँ पे मैं नाउन एडजेक्टिव वर्ब वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Do like the video and subscribe the channel and share with your contacts those who are preparing for government exam.